बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया उसमें चार बत्ती, आटे के दिए में चार बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें, मान लो घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नौमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। महादेव से यही प्रार्थना करता हूं कि महादेव सब पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। आज मैं आपके लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर आया हूं। नवमी तिथि का उपाय है। वैसे तो ये उपाय अधिक मास में किया जाता है, पर अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप बार बार डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, या रिपोर्ट्स में कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, काफ़ी टाइम से आप दवाई भी ले रहे हैं, दवाई मरीज को लग नहीं रही, तो आपको यह उपाय एक बार ज़रूर करना चाहिए। महादेव ने चाहा तो बीमारी भी पकड़ में आएगी और दवाई भी लगना प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए उपाय की बात करते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको बाजार से नहीं लेकर आना, मिट्टी का दीपक नहीं लेना, किसी धातु का दीपक नहीं लेना। दीपक आपको खुद तैयार करना है, अपने घर में आटे से दीपक तैयार करना है, और दीपक भी आपको 4 बाती का तैयार करना है, और उस दीपक में 4 ही बाती रखनी है। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिस तरह का दीपक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी प्रकार का दीपक आपको तैयार करना है। दीपक आप किसी भी समय तैयार कर सकते हैं, दिन में कभी भी दीपक को तैयार कर कर रख लीजिए। उपाय आपको शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में करना है। ये समय आपको खास करके याद रखना है कि ये उपाय आपको 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में करना है। 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में आप दीपक लीजिए। दीपक में आप तिल का तेल डालिए और साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए। नरसिंह भगवान का सिमरन करते हुए जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है उसके सिर के ऊपर से 21 बार इस दीपक को घुमाना है। साथ में जिस तिथि को आप ये उपाय कर रहे हैं उस तिथि का नाम लेना है, और साथ में जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और उसका गोत्र बोलकर, और साथ में नरसिंह भगवान का नाम सिमरन करते हुए 21 बार आपको इस दीपक को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है। पर यह करना आपको 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में ही है। 21 बार घुमाने के बाद यही दीपक आपको अपने ही घर की चौखट के बाहर प्रज्वलित करना है। अगर आप नवमी तिथि के दिन शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में ये उपाय करते हैं तो जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति को बीमारी में दवाई लगना शुरू हो जाता है और वो उसका तबीयत में सुधार होना भी शुरू हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोई बीमार व्यक्ति है और दवाई नहीं लग रही तो आपको भी ये उपाय एक बार ज़रूर करना चाहिए। अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आगे से नया वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।